यात्रा पर हैं। बाइडेन ब्रसेल्स पहुंच चुके हैं, जहां वो नाटो और यूरोपियन यूनियन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पुतिन पोलैंड भी जाएंगे और अमेरिकी राष्ट्रपति की यूरोप यात्रा से रूस चिढ़ा हुआ है, इसे एक उकसावे वाली यात्रा करार दे रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन दुनिया के उस हिस्से में जा रहे हैं जहां पर विश्व युद्ध की आशंकाएं बढ़ रही हैं। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से 30 मुल्कों में टेंशन का माहौल है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 25 मार्च को पोलैंड का दौरा करने वाले हैं, जिससे पूरी दुनिया टेंशन में है क्योंकि पुतिन की त्योरियां चढ़ गई हैं। बाइडेन के पोलैंड दौरे से टेंशन, नाटो के टशन को तोड़ेंगे पुतिन। अमेरिका जिस तरह लगातार यूक्रेन को भड़काने में लगा हुआ है, उससे लगता है कि बाइडेन चाहते हैं कि विश्व युद्ध हो। बाइडेन से पहले उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी नाटो देश पोलैंड का दौरा कर चुकी हैं। पुतिन को लेकर बाइडेन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह के प्रतिबंध रूस पर लगा रहे हैं, उससे हालात और ज्यादा बिगड़ चुके हैं। 3 दिन पहले पोलैंड ने यूक्रेन में शांति सेना भेजने का ऐलान किया था, जिसके बाद रूसी बॉम्बर पोलैंड की हवाई सीमा में घुस गया था। बाइडेन इसी हफ्ते ब्रसेल्स में G7 नाटो संघ के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। G7 की बैठक में रूस पर और ज्यादा कड़े प्रतिबंधों का ऐलान किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की यूरोप यात्रा से रूस चिढ़ा हुआ है और इसे एक उकसावे वाली यात्रा करार दे रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसे वक्त में यूरोप और खास तौर पर पोलैंड की यात्रा पर पहुंच रहे हैं, जब पोलैंड लगातार रूस के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दे रहा है और पोलैंड के खिलाफ पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।